25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। उससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जहां विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाया है, तो वहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर दाव खेला है। इसी कड़ी में बुधवार को द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज में रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। यहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई। इसके बाद उन्होंने शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मुर्मू आदिवासी पूजा स्थल जाहिरा भी पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं का आभार जताया है। गौरतलब है कि मंगलवार को आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा आदिवासी जिले मयूरभंज के रायरंगपुर गांव में हुआ था। मुर्मू 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एसटी मोर्चे की सदस्य रही। 10 अप्रैल 2015 तक उन्होंने अपना ये पद संभाला था। वहीं 2013 में उड़ीसा के मयूरभंज की जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। साल 2010 में भी जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। बता दें, द्रौपदी मुर्मू को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद ही द्रौपदी मुर्मू को केंद्र ने जेड प्लस सुरक्षा दी है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वे आश्चर्यचकित हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। मुर्मू ने कहा कि मैं आप सभी की आभारी हूं और ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, मैं उसके अनुसार काम करूंगी। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित एक आदिवासी गांव में पैदा हुई मुर्मू की जिंदगी में कई हादसे हुए और जिससे निकलना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इरादे फौलादी हो तो हादसे भी हमवार हो जाते हैं। द्रौपदी ने भी इन हादसों को हमवार बना दिया। वे साल 2009 था जब द्रौपदी की जिंदगी में पहली बार भयंकर तूफान आया। तब उनके पुत्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो इस सदमे से निकलने में जुटी ही थी, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। महज 3 साल बाद 2012 में सड़क हादसे के कारण उनके दूसरे बेटे का भी निधन हो गया। उनके पति श्याम चरण मुर्मू का कार्डियक अरेस्ट के कारण पहले ही निधन हो चुका था। द्रौपदी मुर्मू की एक विवाहित बेटी है जो भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। आर्ट्स ग्रेजुएट मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर की थी, फिर वो टीचर बन गई। बाद में उन्होंने राजनीति का रुख किया और 1997 में पहली बार निगम पार्षद बनी। उड़ीसा के रेरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी विधायक बनने के बाद वो 2000 से 2004 के बीच नवीन पटनायक सरकार में मंत्री भी रही। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। उनका कार्यकाल पिछले साल 2021 में खत्म हुआ है। एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।